अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक औरत के लिए माँ बनने का एहसास सबसे खास होता है और इसी एहसास को और खास बनाने के लिए श्री साई सेवा संस्था लाए है जरूरतमंद औरतों के लिए एक खास कैंप। संस्था द्वारा नॉर्मल डिलीवरी मात्र 8,000 रुपए में दवाइयों के साथ और फर्स्ट सिजेरियन मात्र 25,000 रुपए में दवाइयों के साथ रखा गया है। ये कैंप गैबीपीर हॉस्पिटल में लगाया गया है जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक रखी गई है। गैबीपीर हॉस्पिटल नियर अमजदिया स्कूल शांति नगर रोड भिवंडी। भिवंडी पद्मा नगर में आज बनाया गया एक सुंदरीकरण प्रतिमा जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज सहित शिवजी का पुतला बनाया गया है। महानगर पालिका अंतर्गत संतोष शेट्टी स्टेट फंड के साथ पद्मा नगर में किया एक सुंदरीकरण जिसे महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चौहान द्वारा प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर महेश चोगले सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे और अपने भाषण में मंत्री साहब ने क्या कहा आइए सुनते हैं। रविंद्र चौहान जैसा एक मंत्री रवि पाटिल जैसा एक अच्छा एमएलसी महेश चुगले जैसा एक अच्छा आमदार खासदार जैसे एक अच्छा खासदार सभी लोग बहुत काम कर रहे हैं। साहब आज सरकार अपने कार्य के माध्यम से हम सबके ऑफिस में पब्लिक खोल रखे मतलब अच्छे अच्छे लोग भी आके 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो इतने बड़े पैमाने में कर रहे हैं। और अरे चौहान साहब सबको यहाँ पे बहुत लोग राशन कार्ड बनाए हुए चौहान साहब राशन कार्ड का इतनी गांधी थी यहाँ पे इतनी गांधी थी कि मजदूर हुआ गया हमारा कोई 5,000 लोग राशन लेके जाओ वो बंगाल से आओगे पाकिस्तान से आओ कोई पूछते थे और अच्छे लोग जो थे उनको पासपोर्ट उनको राशन कार्ड मिलता था। मैं रविंद्र चौहान साहब को कहा ऐसा था प्रॉब्लम है रविंद्र चौहान साहब ने एक
क्या पता नहीं ऑफिसर लोग क्या बोला, ऑफिसर लोग का फोन आया अंदर अक्षय का मारने का, बोलो हम लोग आपके पास आएंगे। दोनों हाथ उच्च करो घोषणा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अच्छा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आदरणीय रवींद्र फाटक जी, आदरणीय महेश चौगुले जी, या महानगरपालिकेचे आयुक्त वैद्य साहेब आणि आमचे मित्र आदरणीय संतोष शेट्टी जी, खरं तर मी भाषण करण्यापेक्षा जर दोन तीन गोष्टी रवींद्र फाटक यांच्या उपस्थितीत बोललो तर इथल्या भिवंडीवासियांना फार आनंद होईल। मला आठवतं की मी रायगडमध्ये असाच गेलो होतो, रायगडमध्ये सुद्धा असाच एक कार्यकर्ता, काम करणारा कार्यकर्ता हा काम करत होता आणि रोज कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये असं वाटत होतं की या कार्यकर्त्याचं नक्की भविष्य काय, राजकीय भविष्य काय। आणि मग सहजपणे असं माझ्या तोंडातून निघालं, आपला आमदार महेश बालदी। सर खरं ठरलं, मला असं वाटतं की आजच्या या व्यासपीठावरून महेशजी ही घोषणा केली आणि मला असं वाटतं की सर्व भिवंडीकर ही घोषणेला दाद देतील, आपला आमदार, आपला आमदार, तिकडून आवाज येत नाही, आपला आमदार। जरा ही घोषणा जी आहे ना ती धामणसकर आपलं गणेशोत्सव मंडळ आहे त्याच्या त्या गल्लीतल्या त्या नाक्यावरती किती कार्यकर्ते असतील, हजार कार्यकर्ते असतील। मला असं वाटतं या प्रत्येक कार्यकर्त्याने रोज रोज त्या नाक्यावरती उभा राहिला आणि ताई असं बोलायला लागला, आपला आमदार। आता तो कुठेतरी मुंबईमध्ये राहणारा, कधी येतो नाही येतो, असा आमदार असण्यापेक्षा एक शिटी मारली, शिटी मारली का एक शब्द आहे, जरा आवाज दिला, आवाज दिला तर अण्णा, बरोबर ना अण्णाच ना, अपना अण्णा, 24 गन्ना तो कन्ना। अरे अशी सगळी पद्धत असताना अरे इम्पोर्ट केलेला आमदार हा आपल्याला आवश्यक आहे का, हो का नाही? 2024 उजाडणार आहे, सुरुवात होणार आहे 2024 ला। माझी विनंती आहे प्रत्येक मंडळ, भिवंडीमध्ये असणारं प्रत्येक मंडळ, प्रत्येक मंडळामधील असणारा प्रत्येक कार्यकर्ता आणि प्रत्येकाच्या मनामनामध्ये जो राज्य करतो, प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनावरती राज्य करतो, असा अंदाज किती वर्ष त्याला नगरसेवक ठेवणार, किती वर्ष ठेवायचा, काही लिमिट आहे की नाही? जरा करा जरा त्याला प्रमोशन वगैरे द्या जरा। तुम्हारे हाथ में प्रमोशन देना, हमारे हाथ में थोड़ी है, हम तो टिकट भी देते और खड़ा भी करते, हर बार खड़ा करते हैं, ये तो बात ही अलग है। मैं औरों के लिए नहीं बोलता लेकिन कोई अपने में का व्यक्ति जिसके ऊपर हम प्यार करते हैं, इसके लिए हमें लगता है, देखो यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो संतोष अन्ना ने बुलाया है कार्यक्रम को वैसे आया हो, हर वो व्यक्ति उसी लिए आया है। इसका कारण एक है, आपके सभी के दिलों पे राज करने वाला ऐसा ही हमारा दोस्त है, मुझे ऐसा लगता है, तो रवि जी को भी ऐसा ही लगेगा, 100% मेरे दोस्त है, इनका तो ये तो दर बार ही है ना, इनको भी तो मैं ही भेजता हूँ। तो ये सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अन्ना, अन्ना की जो काम करने का
जो लोगों के लिए दिन रात जो काम करता है उसके लिए हम भिवंडी के सभी लोगों को उसके लिए एक बार 2024 में तुम सभी को सब चीज छोड़ के, जाति धर्म सब छोड़कर एक व्यक्ति के पास देखकर आप सभी को काम करना चाहिए। ये जो चालू हो जाता है ना एक बार आपला आमदार संतोष शेट्टी, देखो मैं बोलता हूँ बंबई से आना ही बंद हो जाएगा एक आदमी। ये बात मैं बता रहा हूँ, इसके कारण ही एक है, जब जन ने एक बार सोच लिया, लोगों ने एक बार सोच लिया, उन्होंने एक बार ठान लिया ना, तो कोई नहीं रोक सकता। और मुझे पूरा विश्वास है, आज मैं इसी कार्यक्रम के लिए आया था, मैं देखना चाहता था कि लोगों के दिल में क्या है, पत्रकारों के दिल में क्या है। पत्रकार भी ऐसा ही सोचते हैं, लोकशाही का चौथा स्तंभ जो होता है उसमें तो यही तो सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों की समस्या का हल कौन करेगा, यहाँ के लोगों के लिए कौन दौड़कर आएगा, यहाँ के लोगों को हर वक्त 24/7 खड़ा रहने वाला व्यक्ति कौन है, तो एक ही आदमी है। और हर पार्टी का व्यक्ति ऐसा कहता है, विलास भी यही कहता है, विलास पाटिल भी यही कहता है मुझे दर्द ही नहीं करता, रवि भाई कुछ तो करो, बोला कर रहा हूँ। सब ऐसे ही करते हैं, दलवी भी वही कहता है, अरे सब यही कहते हैं। कि लोगों ने भी तो यही सोचना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है 2024 आपला आमदार मुझे पूरा आप लोगों के ऊपर भरोसा है, जो काम मुझे बताए गए हैं मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। संतोष अन्ना आमदार बनने के पहले यहाँ का जो पद्मा नगर का जो आपने बनाया ना हॉल, जिसको 8 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, उसके पहले ही दे दूंगा। लेकिन आपकी भी जवाबदारी है, आपकी जवाबदारी है कि आपको संतोष अन्ना को आमदार बनाना है, बनाओगे कि नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो। अरे पत्रकार लोगों जरा उस तरफ तो देखो, लोगों की चाहत क्या है, देखो कौन आया। पूरे विश्वास के साथ आज फिर एक बार हमारे दोस्त संतोष अन्ना ने आज हमें सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया, हम सभी लोग उसके साथ हैं, पूरे ताकत के साथ हम देवेंद्र जी, कपिल पाटिल जी, एकनाथ शिंदे जी, हम सभी लोग और अजीत दादा भी, सब हम एक साथ उनके साथ में हैं। इसीलिए इस बार संतोष अन्ना हमारे साथ में विधानसभा में आना चाहिए, इसीलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।